मोबाइल की जांच में खुलासा, महिला कोच के रेगुलर संपर्क में थे मंत्री संदीप, चैट भी होती थी। मंत्री ने कहा था पीड़िता से संबंध नहीं थे, एक बार 15 मिनट को ऑफिस आई थी। जांच में बार बार बातचीत के सबूत मिले, पीड़िता ने घर का कोना कोना बता दिया। जूनियर महिला कोच के से छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, पुलिस के पास उनके खिलाफ अहम सबूत हैं जिनका खुलासा चार्जशीट से हुआ है। चार्जशीट में एक बात स्पष्ट है कि संदीप ने SIT को जो बयान दिए उनमें कई बातें मेल नहीं खा रही हैं। मंत्री ने पुलिस को कहा था कि पीड़िता से उनके पर्सनल रिलेशन नहीं थे। जांच में सामने आया है कि उनके बीच रिश्ते प्रोफेशनल रिलेशन से कहीं आगे थे। मंत्री ने पुलिस को कहा था कि पीड़िता केवल 15 मिनट के लिए उनके मेन ऑफिस के कैबिन में मिली थी। पुलिस ने पीड़िता को क्राइम सीन रिएक्शन के लिए मंत्री के घर बुलाया था, तो उसने मंत्री के मेन ऑफिस, साइड रूम, बेडरूम, बाथरूम आदि की लोकेशन सही सही बता दी थी। मंत्री के बयान और मिले सबूतों में काफ़ी फर्क है। पीड़िता ने सिर पर पट्टी बांध फोटो परिचित को भेजी थी। मंत्री पर दो गैर जमानती धाराएं, गिरफ्तारी के डर में अग्रिम जमानत याचिका, आगे क्या चार्जशीट पर कोर्ट में 16 को सुनवाई होगी।